गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड आफ्टरनून। और अभी ये जो राइड है वो प्लान कर रहे हैं मैं और एक मेरे साथी राइडर है करमवीर, वो हम जा रहे हैं। और इस बार जो हम राइड पे जा रहे हैं वो हम 70 किलोमीटर्स दूर आदि बद्री करके एक टेंपल है उस पे जा रहे हैं, और वहाँ पे एक एक्सकवेशन साइट है उसको भी एक्सप्लोर करने का प्लान है। अभी बस निकलने वाले हैं, मेरा फ्रेंड आने वाले हैं, और अराउंड 70 किलोमीटर्स समथिंग की राइड है। एंड होपफुली इट्स गोइंग टू बी अच्छी है। धूप सी थोड़ी निकला ही है, पहले धूप नहीं थी। लेट्स सी हाउ इट गोस। बहुत बढ़िया है, मतलब रिलेटिवली ठंडा है, हालांकि अभी धूप निकला है, पहले धूप नहीं थी। और अभी बेसिकली निकल चुके हैं हम लोग जीरकपुर से, और अभी वी आर ऑन द वे। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा था, और भी काफ़ी क्रॉस कर दिया हमने, 10 मिनट हो गए। और अभी हाईवे वे पे चलना है, मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके कहीं से शायद ये रास्ता मुड़ेगा, वहाँ से हमको मुड़ना है। ये नोमैडिक पॉपुलेशन है आदि बद्री, 21 किलोमीटर। तो बिल्कुल गांव वाली, पर पेड़ देखो ऐसे लग रहा है जैसे गुफा में से जा रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है, एकदम व्यू मस्त, एकदम छाया से टनल से बनी हुई है। ये पहले हुआ करते, अब रोड चौड़ी हो गई, पेड़ कम रह गए, तो ऐसा टनल वाला फीलिंग कम आता है, बट यहाँ पे आ रहा है कितना मस्त। दोनों साइड पेड़ हैं, तो भी हैं इसलिए सेब सूप भी रखे हुए हैं, पर घना जंगल सा एरिया सा बीच बीच में लग रहा है। अभी भी 20 किलोमीटर पड़े हैं आदि बद्रीनाथ के, 12 किलोमीटर। बारिश वाला सा मौसम हो रहा है, बीच बीच में पहाड़ दिखने लग गए, अभी बीच बीच में इसमें हिमाचल का एरिया है, बीच में हरियाणा का एरिया है, दोनों तरफ खेत है। और देखो पेड़ कैसे जुड़ जाते हैं ऊपर से, कितना सुंदर लगता है। तो पानी भी लगता रोड पे आया हुआ, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग छोटे से सब्ज, ये तो रोड पे पानी 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 पानी
वाटर क्रॉसिंग भी हो गई है। बस पहुंचने वाले हैं, पहाड़ आ गए, पहाड़ के अंदर शुरू में ही है। हाँ वापिस जाते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं क्या? आई डोंट नो, देख लेंगे। मुश्किल है क्योंकि हिमाचल है सारा शायद, आई थिंक ये नाहन वाली साइड होगा, उधर पोंटा पोंटा कहीं होगा या पता नहीं क्या है, नाहन होगा ऊपर लेफ्ट में ना। चलो वहाँ जाके एक बार देखेंगे गूगल पे। पूरे हरे भरे से इधर ईख की खेती करी हुई है। बद्रीनाथ आदि बद्रीनाथ के लिए गलत आ गए। वो राइट उधर से उधर मुड़ना था। भाई साहब बद्रीनाथ के लिए रास्ता यहाँ से राइट सीधा वहाँ से आगे मोड़ आएगा, ठीक है ठीक है। कच्चा रास्ता है। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं आदि बद्रीनाथ और मौसम बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं क्लाउडी है पूरा, है ना, और इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत मज़ा आ रहा है। और पूरी धान की फसल ऑलमोस्ट कटने वाली हो रही है, थोड़े दिनों में कट जाएगी आई थिंक, पता नहीं अभी और टाइम लगेगा, बट पूरा हरा हो रखा है, पूरे जंगल भी पीछे से हरे हो रखे हैं। और ऑलमोस्ट शायद एक घंटा लगा हम लोगों को यहाँ पहुँचने में, 3 बजे चले थे, अभी 4 बजे के आसपास का टाइम है। और अमेजिंग राइड है, अभी शायद थोड़ा कच्चा रास्ता है आदि बद्रीनाथ के लिए, 4-5 किलोमीटर और बचा है, सो विल बी रीचिंग देयर। एंड वी टू राइडर्स हैव कम ऑन दिस राइड, मी एंड माय फ्रेंड करणवीर। सो अच्छा है, एक अलग ही, एक पहली बार हमने सैटरडे को शाम को ऐसी प्लेन्स है मोस्टली वैसे वाली राइड बनाई है। सो अब चलते हैं अपनी राइड पे और पहुंचते हैं आदि बद्रीनाथ मंदिर और एक बुद्धिस्ट की वहाँ पर कोई एक्सकवेशन से हिस्टोरिक साइट निकली है। विल लुक सी कि अगर वहाँ भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। खेतों में से जाने का अलग ही एक अंदाज है, एक अलग ही मज़ा है। और जो ये गांव की छोटी छोटी रोड होती हैं इनका जो मज़ा है कुछ अलग ही है। और गूगल की बातें सुनने का भी अलग ही मज़ा है। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है पाजी ऐसी लेफ्ट ले लेंगे ऐसी लेफ्ट, और ले लिया हमने लेफ्ट। पानी में ऐसे ही चल देते हैं, जगह पानी भरा हुआ है लगता है, ये कुछ ज़मीन पंचायत की होगी, शमशान घाट है लगता है यहाँ का। ऑफ रोड तो हो ही गया थोड़ा बहुत, हमारी राइड में ऑफ रोड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एक मस्त सा ऑफ रोड हो गया है। टंकी सी ऐसी बना हुआ करती थी ओल्ड, पुराने टाइम में वही बनी हुई है, और उसमें पेड़ उग गया लगता है पूरा ऊपर तक। ट्यूबवेल होता होगा पहले के लिए पुराना यहाँ पे, और ये टंकी है, ऊपर चढ़ने का भी रास्ता है इसमें। भाई ठीक दिखा रहा है ही, ऑफ रोड करते हुए हमको जाना है आदि बद्रीनाथ टेंपल के लिए। टायर थोड़े फिसल रहे हैं, जब मिट्टी वाले एरिया में चलाते हैं, सॉलिड एरिया में तो ठीक है। ये पता नहीं कौन सा गांव है, बाजी भोपुल एक रोड आ गई है मस्त वाली। थोड़ी थोड़ी लैंडस्लाइड हुई है हल्की हल्की जगह जगह बारिश की वजह से। आदि बद्री काठगढ़ में आपका स्वागत है। अति उद्गम स्थल, अच्छा यहाँ से सरस्वती निकल रही है, सरस्वती। तो इस जगह से ये कह रहे हैं कि
सरस्वती निकल। आगे से रास्ता है। अच्छा तक के पूछ रहे हैं विलखों में सरस्वती नदी। रिवेन्यू रिकॉर्ड है सरस्वती नदी का कि यहाँ से निकलती है। 2200 वर्ष पुराना पुरास्थल, 2200 साल पुराना ये। अच्छा तीर्थ सरस्वती बेसिकली नदी का तट पर प्राचीन धरोहर है ये। ओके मस्त है, पानी बह रहा है। तो आदमी मिला 5000 वर्ष पुराना कुआं। हमको कितनी चीज़ें नहीं पता थी। सरस्वती कुंड है आदि बद्री का, 5000 वर्ष पुराने सरस्वती सभ्यता के अवशेष। क्या ब्यूटीफुल है, इसमें से नदी बह रही है। ऑसम, एक ऑसम सी फीलिंग आ रही है। इतने सुंदर जगह है, बाइक पार्क कर सकते हैं। हम पहुंच गए केदारनाथ सर आदि बद्री सर। जैसी फीलिंग आ रही है ना, शांति है, पहाड़ है ना, अच्छी जगह। लेकिन है ना, शांत है ना सर, कमर्शियलाइज नहीं है। हाँ अच्छा है ना कमर्श। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये बीच में एक नदी है और उसके जो दूसरी साइड है वो केदारनाथ है, और ये जो बीच में नदी है और बहुत कम गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। ये हमारी बाइक्स पार्क्ड है करमवीर भाई, एंड वी आर गोइंग टू गो अप दी स्टेज टू टेम्पल आदि बद्रीनाथ, जो है पैदल हाइक करके जाने के लिए। ये मंदिर है माता मंत्रा देवी का, जो आप एज पे देख, बीच में सेंटर में देख पा रहे हो। पर अभी हमारे पास हिम्मत नहीं है ना, टाइम है, अदरवाइज़ हम जाते उस पर ज़रूर। सो नेक्स्ट टाइम पे जब हम ग्रुप में आएंगे तो ज़रूर उस पर क्लाइम करेंगे और उसको। किया गरुड़ नाम से है ये, गरुड़ रेस्ट हाउस हरियाणा का टूरिस्ट प्लेस। और पकोड़े खाए, चाय पी, मज़ा आ गया। थोड़ी ह्यूमिडिटी हो गई थी और भूख भी लग रही थी, तो एक अलग ही मज़ा था उस चीज़ का। कुछ चीज़ हम नहीं विज़िट कर पाए क्योंकि अब लेट हो गए हैं, और अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो हमको थोड़ा जल्दी पहुँचना है, 7 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। सो वी हैव टू मूव बैक, इस कारण से एक तो जो नीचे से निकला था वो म्यूज़ियम नहीं देख पाए हम। म्यूज़ियम और उमे ख्या से उस साइड है कुछ, और म्यूज़ियम नहीं देख पाए। जो नीचे से एक्सकेवेशन से एक बुद्धिस्ट मिली है जगह, वो नहीं देख पाए।
तो एक दो जगह रह गई और एक उधर वाला जो केदारनाथ वाला टेम्पल था वो नहीं देख पाए। सो बट ये है कि यहाँ तक आ गए, हमने इसको समझ लिया, देख लिया, बाकी चीज़ों को मे बी नेक्स्ट टाइम वी विल एक्सप्लोर। सो बट एक अच्छा रहा, एक अच्छा हमने देखा, समझा और मज़ा आया बहुत।